वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी. खुद देती है, नहीं सॉरी, कहती है खुश आमदी. दुआएं देने का इतना दिल करता है तो मुंह पे हमेशा वैसे होना चाहिए. ऐसे दिल वाले लोग भी होते हैं जो हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचते हैं. अच्छा जी, बात हो रही है हेल्थ सेगमेंट की. ये हेल्थ सेगमेंट है स्पेशली क्योंकि गर्मियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है मौसम ज़रा, रात में मैंने देखा बड़ी तेज़ हवाएँ चल रही होती हैं. लेकिन जो लोग ख़ास तौर पर जब पानी कम पीते हैं तो किडनी इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा इंडिकेट करता है. लाइक जिनके गुर्दों में कुछ थोड़ा सा पहले से ही प्रॉब्लम हो, और वैसे भी मैंने देखा है कि हम लोगों को गुर्दों के इन्फेक्शन जल्दी ही हो जाता है पानी कम पीने की रीज़न की वजह से. पेशाब कम आना या कतरे गिरना या बहुत ज़्यादा आना, रात को उठ उठ के पेशाब करना, और वो बच्चे जो रात को भी पेशाब कर लेते और बिस्तर पे हो जाता है, ऑफ कोर्स उनका एक कुछ किडनी या उनका गॉल ब्लैडर या हम लोग कहते हैं कि मसाना कमज़ोर है. तो अब आई डोंट नो, बहुत सारी रीजंस होगी, तो आप बिल्कुल इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं. यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, ये कहते हैं हर्बल दुनिया की रानी रानी आपा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास. और हमने पिछला प्रोग्राम जब किया था तो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, और वो आज फिर मुलाकात हो गई. जी जी, बहुत अच्छा. आपने उस वक्त अनाउंस भी किया था कि हम सारी यूटीआई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे. बहुत एक ऐसा गंभीर मसला है जो मेरा ख्याल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये मसला है, और तमाम लोगों को इससे आज अगर हमारी रेमेडी देखेंगे तो ज़रूर फैसियाब होंगे. ज़बरदस्त. और साथ साथ हम लोग अगर रेलिवेंट टू स्टमक को इसके साथ अटैच होता है या कुछ भी हमारी आंतों का कोई, क्योंकि जब भी हम फूड की नाली जैसे शुरू करते हैं तो बहुत सारा एक दूसरे से हर ऑर्गन दूसरे को अटैच जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इंडिविजुअली नहीं होती, बल्कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम मिलकर एक प्रॉब्लम की शक्ल में हमें नज़र आती है कि कहाँ से वो शुरू हुई है. हम इसकी बात करेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम शुरू हुई है तो किस किस वजह से हुई है और क्या 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 चीज़ कंट्रोल करनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. रानी आप अभी मौजूद हैं ऑफकोर्स हमारे दरमियान, एक ऐसे शख्स थोड़ा सा उनका जो लबो लहजा बड़ा स्माइलिंग सा है और खूबसूरत प्रोग्राम कर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा. इससे पहले मैंने उनके साथ कभी प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन अब मुझे उनके अपने सेगमेंट में उनकी कमी महसूस होने लग गई है. सेकंड हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है. और ये जो थोड़ी थोड़ी हैप्पीनेस मूड दे देना, ये जो किसी को कोई खुशी दे दे, कुछ मुस्कुराहट दे दे, ये सबसे खूबसूरत सदका जा रही है. यहाँ पर मौजूद है शाहनज़ीर साहब. अस्सलाम वालेकुम हर्बलिस्ट. वालेकुम अस्सलाम. सभी बहुत शुक्रिया आपका, ये आपकी अपनाइयत है और आपके चैनल की तरबियत है कि आप सबकी रिस्पेक्ट करती हैं, इज्जत देती हैं. अल्लाह पाक इसमें कामयाबी भी दे आपको, खुशियाँ भी नसीब करे. आप हमारे साथ इतना प्यार करती हैं, एक हमारी माँ भी हैं ये, और यकीन कीजिए इनसे बहुत रहनुमाई मिलती है हमें, क्योंकि जारी बात है बड़ों की बात बात ही कुछ और है. उनसे पूछे जिनके माँ बाप नहीं है, तो हम इन्हें अपने माँ बाप समझते हैं. क्या बात, एक बार नोट किया रानी पा, खुदा की कसम चाहे मैं कॉल पे बात करूं या इधर, ये बातों बातों में अपने आप को छोटा प्रेजेंट करते हैं. मैंने इतनी नोट की है बात कि इनकी घूम फिर के पता सुई कहां पर रखे पड़ती है. मैं आपको बड़ा, कल मुझे भी बोल देंगे जी बड़ी बहन बोलिए आप. वहां पर भी आके इन्होंने मुझे ये रिस्पेक्ट जोड़ के ना, इन्होंने कि सभी आप बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, आप हमारी बड़ी बहनों की तरह एक दिन इन्होंने बोलना है. नहीं नहीं, ने कहा कि मैंने इंशाल्लाह बहुत जल्द, आपने आगे के अल्फाज नहीं सुने. एक चीज, मॉर्निंग विद सभी में आके ना यहाँ पे आपको एक फैमिली माहौल मिलता है. जैसे हम अपने घर पे आए तो हम कह सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, ये एक मोहब्बत होती है. आप यकीन कीजिए ये एक एहतराम का रिश्ता है, इसमें इसमें मुझे बहुत खुशी होती है. तो दूसरी चीज ये है कि जिस तरह आपने अभी कहा कि यूटीआई के बारे में, यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा ये खवातीन में भी होता है, मर्दों में भी होता है. इसमें बर्निंग होती है, यूरिन रुक रुक के आता है, जलन भी होती है, और इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं जो कि गुदूद बढ़ जाते हैं. तो इसमें यह है कि अगर ये जैसे 10 ग्राम से शुरू होता है और अगर ये 60 70 80 ग्राम पे जाता है मर्दों का, तो फिर डॉक्टरों से ऑपरेट लिख देते हैं. तो इसमें बहुत ज्यादा क्योर करने की जरूरत होती है. जिन लोगों को भी यूरिन इन्फेक्शन होता है, साथ में उनको स्टमक की भी प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन भी रहने शुरू हो जाता है, गैसेस भी बनने शुरू हो जाती है, और हार्ट बर्निंग यानी मैदे में जलन भी शुरू हो जाती है, और दिमाग चलने लग जाता है, बातें ज्यादा सोचना और एक बात की चार बातें निकालना. क्यों कि जब ये चीजें होती हैं, आजकल आप किसी का भी टेस्ट करवा लें, आपको एच पैलोरी का जो बैक्टीरिया है वो आपको एक्टिव मिलेगा.
क्योंकि सब बाहर की चीजें खा रहे हो तो ये आगे चल के खतरनाक सबब बन जाता है, इंसान को वहमी कर देता है, घबराहट, धड़कन तेज, कुछ खाते हुए भी डर लगता है मैं ये खा लूंगा मुझे ये हो जाएगा और सुबह के टाइम पे उठते हैं तो दिल की धड़कन तेज हुई हुई होती है, तो ये एच पायलोरी का बैक्टीरिया भी होता है। तो इसलिए पेट के निजाम को आप खाली पेट का निजाम ना समझा करें, इससे और भी रीजंस होते हैं। आप पेट के दर्द को पेट का दर्द ना समझेंगे, शायद गैसेस की वजह से हो, मे भी हो सकता है, लेकिन इसको मामूली इसलिए ना समझें, ये दिल की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, इसमें हार्ट अटैक के भी चांस होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा एहतियात करनी अच्छा, चाहिए। जब भी मैंने देखा है नजीर साहब, कभी भी जिनको हार्ट अटैक होता है ना, उनको बहुत सारी चीजें खाने पे पाबंदी लगा देते हैं कि आप ज्यादा ऑयली चीज ना खाइएगा। आप अक्सर में मतलब इट्स मीन कि जो आपने कहा कि जो ऐसे खाने खाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ उनके हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है। कैसे हार्ट हमारी बॉडी का किंग है। एक चीज याद रखिएगा, जब आपका एचडीएल बढ़ता है यानी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसके साथ ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, वो जो ग्लिसरीन वाला था जो दिल के वॉल बंद करता है, जिसकी एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑयली चीजें अवॉइड कीजिए। आजकल एक कॉमन सी चीज है, एक फैटी लीवर कॉमन हुआ हुआ हर इंसान को हो रहा है, एक एच पायलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव हुआ हुआ है, दूसरा डायबिटीज बहुत लोगों को हुआ हुआ है, हाइपोटेंशन बहुत लोगों को हुआ हुआ है। तो हर एक के बाद यानी हर दो इंसानों के बाद एक शख्स इसका शिकार जरूर है। तो इसलिए इसकी जो मर्ज का जो फैलावा है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? हम केयर नहीं करते। हम हर वक्त फोन मिलाया, हर चीज मंगवा ली, हमारे यहाँ चलने का निजाम नहीं है। कोई काम होता है बाइक स्टार्ट की लेकर आ गए, पैदल हम नहीं चलते हैं। पहले हम कहीं कहीं दूर तक पैदल जाते थे, अगर किसी घर पे भी जा रहे हैं तो 8-8 मंजिल सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अब हमने बटन दबाया पहुंच गए। जितनी सहूलत मिल रही है उतने काहिल होते जा रहे हैं, सेहतें खराब हो रही हैं, सेहत खराब हो रही है ना। अच्छा, आपा भी और माशाल्लाह शाह साहब भी जो है ना, वो दोनों के पास एक होम रेमेडी मौजूद है। नाज़रीन, आप लोग अपना पेपर पेन रेडी कर लें, मैं थोड़ी सी आपा से गुफ्तगू करने के बाद मैं फिर शाह साहब के पास होम रेमेडी की जाने जाऊंगी। आपा, मैंने जिस तरह का यूरिन का प्रॉब्लम, और यूरिन जो है वो कुछ लोगों को बिस्तर पे भी हो जाता है, कुछ लोगों को बेचारे जाते हैं फील होता है लेकिन आता नहीं है, उसे इन्फेक्शन। सबसे पहले हम बिस्तर पर पेशाब करने की बात करेंगे कि बाज बच्चों के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ, लेकिन कुछ बड़ों के साथ भी उनकी एज गुजरने के बाद उनको ये प्रॉब्लम होती है। मैं छींक मारी उससे भी हो जाता है, उससे हो गया यूरिन के ड्रॉप्स। इन तमाम चीजों का जो एक बेसिक वजह है वो ये है कि मसाने की कमजोरी। ठीक है, मसाने की कमजोरी मर्द में भी हो सकती है, औरत में भी हो सकती है, बच्चे में भी हो सकती है। मसाने की कमजोरी को रोकने के लिए और आपके ब्लैडर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक ज़बानी रेमेडी बताती हूँ जो हर शख्स बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। उसमें यह है कि 50 ग्राम गुलमंडी और 50 ग्राम सरफों का, ये दोनों चीजें 2 गिलास पानी में पकाकर रख लीजिए। जब अच्छी तरह पक जाए छान कर किसी बोतल में कर लीजिए, और इसमें हसबे जायका, अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो हसबे जायका इसके अंदर शुगर मिला लीजिए या गुड़ मिला लीजिए, और दिन में 3-3 बार 1 टेबल स्पून ले और 1 कप पानी में, सादे पानी में मिलाकर ये शरबत पी ले। तो अल्लाह के फजल से जिनको मसाने की कमजोरी है, जिनका कतरे कतरे की सूरत में पेशाब निकल जाता है, जिनको अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इससे आपका ब्लैडर मजबूत होगा यानी मसाना मजबूत होगा। दूसरे, गर्मियों के मौसम में के आते ही या इसके अलावा भी कुछ लोगों को पूरे साल पेशाब में जलन रहती है, पेशाब कतरों की सूरत में आता है, जल जल के आता है, और इसकी वजह से इतना इंसान लथार्जिक हो जाता है कि वो अपनी फ्रेशनेस भूल जाता है। बस उसको यही खौफ रहता है, अल्लाह मुझे पेशाब आएगा, मुझे वॉशरूम जाना है, फिर जलन होगी। पहले जाके होते हैं जी, फिर वो यानी कोशिश करते हैं कि जल्दी से मुस्लिम शावर से पानी डालते रहें और इसके साथ हमारा यूरिन निकल जाए ताकि हमें इस जलन से निजात मिल जाए। इस जलन से मुस्तकिल छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही आसान सी रेमेडी लाई हूँ जो आप लोग बनाकर रख लेंगे तो अल्लाह के फजल से इस जलन का, कतरों की सूरत में पेशाब आने का, रुक रुक के पेशाब आने का मसला हल हो जाएगा और पेशाब आपको खुलकर आने लगेगा। प्लेट अपने हाथ में ले लीजिए। अच्छा, उसमें आपको सिर्फ ये 3 चीजें इस्तेमाल करनी है, तकरीबन
50 ग्राम आपको लेने गुलाब के फूलों की पत्तियाँ, ठीक है, और 50 ही ग्राम आप लेंगी बनफ्शा की पत्तियाँ। अच्छा ठीक है, ये जरा इसको कैप्चर कीजिएगा प्लीज। 50 ग्राम गुलाब की खुश्क पत्तियाँ, 50 ग्राम बनफ्शा की पत्तियाँ, और इसके अंदर हम डालेंगे लौकी के बीज और कद्दू के बीज। अच्छा। 25 ग्राम लौकी के बीज और 25 ग्राम कद्दू के बीज, इन चारों चीजों को, यानी दो किस्म के बीज, कद्दू के और लौकी के बीज 25-25 ग्राम, 50 ग्राम गुलाब की खुश्क पत्तियां और 50 ग्राम बनफ्शा की पत्तियां, इस पानी को आप लेकर एक गिलास या डेढ़ गिलास में इतना पकाएंगी कि पानी एक गिलास रह जाए। जब ये एक गिलास रह जाए तो इसको छान लीजिए और अपने पास एक बड़ी बोतल में सादा पानी मिक्स करके, उबला हुआ पानी ठंडा करके, या आजकल सबके यहाँ फ्रेश पानी, बॉटल का पानी इस्तेमाल होता है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, उसमें मिलाकर, और आप इसमें शरबत नीलोफर, जायके के लिए शरबत नीलोफर मिलाकर एक शरबत तैयार कर लीजिए, और दिन में 3 बार हर खाने से पहले आप आधा ग्लास ये शरबत पी लीजिए। 3 से 4 दिन में आपकी ये बॉटल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह चाहेंगे, अल्लाह के हबीब चाहेंगे, पहले ही दिन आपको इस जलन से, इस रुक रुक के पेशाब आने से, पेशाब की जो तंगी है उससे निजात मिल जाएगी, और 3 दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से ये पूरी बॉटल ख़त्म करने के बाद आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। रानी अपा, हम चलते हैं शाह साहब के पास। शाह साहब, आप कौन सी, किस प्रॉब्लम से रेलेवेंट बताना चाह रहे हैं? जी थोड़ी सी तशरीह करूंगा मैं। जी जी, के जिस तरह अभी आपा ने बताया यूटीआई के बारे में, देखिए यूटीआई जो पेशाब की बर्निंग होती है, जो रुक रुक के आ रहा होता है, इसमें एहतियात इस चीज़ का कीजिए कि आपने पालक नहीं खाना है, मेथी नहीं खाना है, और टमाटर नहीं खाना है, लोबिया नहीं खानी है, चने की दाल नहीं खानी है, बड़ा गोश्त नहीं खाना है। ओके। क्यों? कि ये पथरी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि किडनी में जब स्टोन होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम रहेगी, फिर यूरेट्रिक इन्फेक्शन यहीं से शुरू होती है कि रेत के जर्रात आ रहे होते हैं। और गाय के गोश्त से हत्तुल इम्कान परहेज कीजिए, हमेशा बकरे के गोश्त का शोरबा बनाकर इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और 50% बीमारियों को ये अल्लाह पाक ने इसमें ऐसी हिकमत रखी है कि ये कंट्रोल कर लेगा, और गर्मियों में गर्म चीजों से इश्तेनाब करें। बेशक। अच्छा जी, शाह साहब कंटिन्यू करें। जी बताइए। जी मुझे रोना आ रहा था। क्यों? नहीं नहीं, टेंशन ना ले। चलो ठीक है, अच्छा आप दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। यूटीआई और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जिन लोगों को भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम रहती है, खुदूद रहते हो, तो वो सिर्फ 2 जड़ी बूटियां ले लें। एक आप ले लें बहुफली बूटी, एक आप गोखरू ले लें। गोखरू पेशाबावर होती है, बहुफली जो है वो वर्म को उतारती है उसके। ठीक है, तो जो ये दोनों चीजें साबुत, एक एक चम्मच के बराबर एक गिलास पानी में डिप कर दें रात को, सुबह निहार पेट छान के पी लें, फिर सुबह डिप कर दें रात को छान के पी लें, यूरिन का फ्लो बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के मरीज ये 3 महीने यूज करें और अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, आप खुद हैरान हो जाएंगे, आपको ऑपरेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। दूसरी चीज, आपको घर बैठे प्रॉब्लम रहती है, गैसेस होती हैं, बदहजमी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, और पेट में दर्द हो रहा होता है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन महसूस होती है, एक छोटा सा सफूफ बनाना सिखा रहा हूँ, अपने घर पे बनाइए, अपनी मुश्किल को आसान कर दीजिए। इसमें टोटली 3 चीज़ें हैं। जो सबसे पहली चीज़ है, वहीं रखें बाउल, रखे ना कैमरा, अच्छा वहीं पर रखें बाउल, वहाँ कचौरी, हाँ ये बस ऐसी प्लेट को भी वैसे रखेगा, और आप अच्छा, स्पून से उठाएं। हाँ, ये है अनारदाना साबुत, ये इसका पाउडर है। अच्छा, ये हमने लिया तकरीबन 50 ग्राम। ठीक है जी। ठीक है, और ये है पुदीना खुश्क। ठीक है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। वाह जी वाह। ठीक है, दूसरी चीज ये है सौंफ। ठीक है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इनको मिला के आप सफूफ बना लें। वही रखे। ओके। ठीक है, सफूफ बना लें, जब भी खाना खाएं आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ, आपको 10 मिनट में आराम आ जाएगा, आपको एक अच्छी डिकार आएगी। एक बार रिपीट करें, 3 चीजें कौन सी थी? अनारदाना, पुदीना और सौंफ। अनारदाना, पुदीना और सौंफ, ये तीनों चीजें हम वजन ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, मिला के बारीक पाउडर बना लें, और इसकी हर खाने के बाद एक छोटी चाय वाली चम्मच पानी के साथ। सर एक इजाजत, एक कॉल ले लें जरूर, इसके बाद फिर हम आपको कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वाहेगुरु, सभी मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। बेटा कैसी हो आप? शहजादी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपका मुझे याद है, शहजादी बोल रही है। प्रोग्राम करती हूँ, मजा आता है देखने। मेरा आपके
टाइम की शादियाँ होती हूँ तो जल्दी से कॉल मिलाओ और आपका प्रोग्राम शुरू हो गया। अच्छा मैं रानी आपा और शाहनवी भाई से ये बात पूछना चाह रही, मैंने इससे पहले भी सभी आपके यहाँ कॉल की थी जो हसीन साहब आए थे, मैंने कहा था एक तो ये हनिया जो हो जाता है वो, और दूसरे ये कि ये जो राजा आता है इसका क्या इलाज है मेरा बेटा ये तो बताओ। और मैं कहती हूँ जो जड़ी बूटी बता रहे ना अगर ये लिख के और सामने दे दे तो हमारे लिए उतारने में आसानी हो जाए, तो फिर इस चीज को हम घर में ला के बना यूज कर सकते। जैसे रानी आता ने अभी जो लिंग का बताया है ये खाए रुक रुक के आता है कुछ लोगों को इसकी प्रॉब्लम, तो आज अल्लाह मैंने रानी आपा की बात सुनते और हमारी भी आसानी कर दी, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा ना बेटा तो हमारे लिए लिखने में भी उतारने में आसानी होती और हमें चीज संसारी के लेने में भी आसानी होती। तो मेरा बच्चा ये नेकी का काम आप जरूर कर दो, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आप जो आप तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और अल्लाह आपको अल्लाह हाफिज़। जी क्या ऐशा सब जी बिल्कुल इनकी बात से मैं एक बात कहूंगा जो हरनिया का ये बता रही है। देखो मेरी बहन हरनिया पे किसी के हाथ बेवकूफ मत बनिएगा, ऐसी कोई बूटी नहीं है जो वहां जाके जाली लगा दे, इसका ऑपरेट हल है, ऑपरेट कराइए, वहां जाली लगती है उसे पैक किया जाता है ठीक है। अगर कोई दवाई होती कोई बूटी होती तो सबसे पहले मैं सामने रखता लाके, तो इसका एक मामूली सा ऑपरेट होता, कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप जाए किसी अच्छे सर्जन के पास ही क्लियर हो जाएगा। एक दूसरी चीज जो आपने राशा बताया इस तरह हिलते हैं लोग ठीक है, अब ये नहीं पता कि वो डायबिटिक पेशेंट है कि नहीं है। एक खमीरा आता है खमीरा ऊदे सलीब वाला, खमीरा ऊदे सलीब वाला, इसकी एक चाय वाली चम्मच सुबह एक चाय वाली चम्मच शाम खाने से पहले इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल मीठा होगा मेरी तरह ठीक है। ये पार्किंसन का जो मर्स है ये काबिले इलाज नहीं है। हाँ, के तो इसमें नहीं, इसमें है इसका इलाज। ओके, आप खमीरा ऊदे सलीब वाला अगर डायबिटिक पेशेंट है तो फिर ऊदे सलीब आप ले लीजिए, पंसारी से मिलेगा आपको, उसको बारीक पाउडर बना लें और उसकी मिकदार एक चुटकी इस्तेमाल करते हैं, एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम, खाने के बाद ले लें या पहले ले लें। अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है शुगर का मरीज नहीं है तो इसका खमीरा ले लें, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें, एक चाय वाली चम्मच सुबह एक चाय वाली चम्मच शाम, आप देखिएगा कुछ दिन यूज कीजिएगा ये जितना रशा आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएगा और आप एक्टिव भी हो जाएंगे। गुड वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ जी? नेक्स्ट ये है कि गर्मी बहुत फील होती है, पेट में जलन शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, बाद लोग कहते हैं कि मुझे गर्मी की शिकायत है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है, इसी की वजह से यूरिन में बर्निंग भी हो रही होती है। okay. तो एक छोटा सा मशरूब बनाना सिखा रहा हूँ, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, ये जिगर मैदे मसाने की गर्मी को भी दूर करता है, तेजाबियत को भी दूर करता है, यूरिन के फ्लो को भी बेहतर करता है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, हाथ पांव की जलन भी दूर करेगी और ज्यादा स्वेटिंग पसीना आता हो ये उसको भी काबू करेगी। तो एक ग्लास पानी लेंगे आप, इसमें ये एक चाय वाली चम्मच जो है तुख्मे बालंगा, ओके बहुत मशहूर चीज है, तुख्मे बालंगा लिया आपने, ये इस्पगोल छिलका है ठीक है, ये भी हमने लिया एक चाय वाली चम्मच, गुड है ठीक है। ये है गोंद कतीरा, ये कितना ही पीस लेना आपने, एक पीस ठीक है, आपने डाल के इससे आप इसे शेक कर ले आप ठीक है, ये रात को भिगो दें, सुबह भी पी सकते हैं या एक घंटे के बाद आप इसे शेक करके पी सकते हैं जब ये फूल जाए, तो एक जायका भी, अगर जायके के लिए आप कोई भी लाल मशरूब डालना चाहें डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही पियेंगे 10 मिनट के बाद आपको ठंडक का एहसास होगा, आपकी तेजाबियत भी दूर होगी, मैदे की भी जलन दूर होगी, पेट की भी जलन दूर होगी, हाथ पांव की भी जलन दूर होगी, कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, यूरिन का फ्लो भी बेहतर हो जाएगा, आप खुद अपने आप को एक बेहतर फील करेंगे। अच्छा जी ये हो रही है जबरदस्त, आप अभी कुछ कहने चाह रही, मैं एक और सवाल शाह साहब आपके रानी आपा के बाद आपसे करूंगी कि जो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ईजिएस्ट बताएं जिसमें ये तो बहुत अच्छा था मसाने को स्ट्रॉन्ग करना ठीक है, जो लोग जैसे इन्होंने कहा बंदे को नफ्सियाती से हो जाते हैं क्या जाने से पहले कहीं इवेंट में जाने से पहले बाहर निकलने से पहले पहले मैं जो है ना मैं वॉशरूम होके आ जाऊं और वो अक्सर जैसे छींक मारते हैं, उम्र थोड़ी सी अगर ज़्यादा भी हो जाए या ज़्यादा वॉक करते हैं और चलते चलते उनका वजू टूट जाता है, ऐसा भी होता है, बहुत बेचारों को फील होता है, तो आपने भी बताना है लेकिन रानी आपा आप मुझे बताएं ऐसी खवातीन ऐसी लड़कियां ऐसे बच्चों को, फिर आपको पता है कि जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर चेहरे के ऊपर
एक अजीब सी रिंकल्स और बुढ़ापा सा महसूस होने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ये सही कहा। और जल्दी से झुर्रियाँ भी आ जाती हैं, पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। और वो तमाम ऐसी खवातीन जो खवातीन हजरात जो भी हैं, पेट में अजीब सी जलन महसूस करते हैं, खाना पीना निज़ाम हजम में ख़राबी महसूस करते हैं कि जारी जब सो रहे हैं तो करवटें बदल रहे हैं, चैन नहीं आ रहा, दिन में भी चैन नहीं आ रहा। तो सब के लिए बहुत ही आसान एक रेमिडी है, वो ये है कि 2 टेबल स्पून दही ले लें। ठीक है, 2 टेबल स्पून दही में एक बड़ा ग्लास पानी कर लें। ठीक है, और उसको ब्लेंडर के अंदर डालकर शेक कर लें। 2 टेबल स्पून दही, एक पूरा ग्लास पानी का, और उसको शेक करने के बाद उसको जब ग्लास में निकालेंगे तो उसमें 1 टेबल स्पून इसबगोल की भूसी मिलाकर गटगट करके पी लें। ओके, वो तमाम लोग मतलब सडनली महसूस करेंगे कि ना सिर्फ ये अच्छा, ज़्यादातर मैं तमाम लोगों से कहती हूँ कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या नहीं हैं, शुगर के मरीज हैं या नहीं हैं, इसमें 1 चुटकी नमक डाल लें, सिर्फ 1 चुटकी। यानी ज्यादा लेंगी तो वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को प्रॉब्लम हो सकती है। अरे भाई, उनको तो पिंच सॉल्ट कह सकते हैं, काला नमक जैसे कुछ ना, एक पिंच, ये आपके जायके को डिवेलप करेगा, बहुत फायदेमंद है। जब ये पी लेंगे तो विद इन 5 मिनट महसूस होगा कि हमारा दिल भी ठंडा सा हो रहा है, पेट की जलन भी बहुत कम हो रहा है, तबीयत में जो भारीपन था वो भी हल्का महसूस हो रहा है, और अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे। लेकिन ये एक इलाज है जो कम से कम 7 दिन आपको रेगुलर एक टाइम पर करना है। अल्लाह, पहले दिन ही महसूस होगा, लेकिन 7 दिन रेगुलर करेंगी तो अल्लाह के फजल से आपको महसूस होगा कि हाँ, मुझे वाकई बहुत फायदा हुआ है। और इस इलाज को 7 दिन तो आपने करने ही है, लेकिन आप 14 दिन भी कर सकते हैं, आप 21 दिन भी कर सकते हैं। और जो चीज फायदा देती है उसको इंसान मुस्तकिल गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकता है। बेशक। अच्छा जी नाज़िन, शाह साहब भी मौजूद है, रानी आपा भी मौजूद है, और जिस तरह शाह साहब ने एक बात कही थी कि हम लोगों ने बहुत अपनी ज़िंदगी को आसानियों की तरफ ले गए, पहले थोड़ा वॉक कर लेते थे तो आधी बीमारियां, 90% बीमारियां हमने खुद ही ली हैं, और हम ख़रीद के बीमारियां लेते हैं। अब सोचोगे सभी ये क्या कह रही है, तो ये ख़रीद के ही तो लेनी है कि हम लोगों ने KFC ऑर्डर किया और पैसे दे के एक बीमारी ख़रीद लिया, और अगर उसको फिर मज़ीद ये कि रेगुलर लाइक के भाई अच्छा जी बहुत आसान है, हम ऑफिस जा रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, चले जी ऑर्डर पास कर दें जी, वो और कल लेकर आए थे ना, ये दोबारा आप लेकर आ जाएं, तो हमने अपनी बीमारियों को खरीद लिया। तो लेट्स सी, आज इस पर डिस्कस हो रही है, स्टमक मसाना और आपके जिगर की जो ये जो गर्मी है, हिद्दत है, जाहिर सी बात, हम अपने आप को जितना सहल करे जा रहे हैं हम उतनी अपनी बॉडी को बीमारियों में मुबतला कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आपा भी मौजूद हैं, शाह साहब भी मौजूद हैं, यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग में सभी के साथ।